DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12th. 50% discount on girls fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. सुरेश काग जी किसी नजर राम सर नमस्कार. नमस्कार. सबसे पहले धन्यवाद दूंगा सर आपको. आपने जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लगातार संपर्क हमारे से हमारी हौसला अफजाई और आज ये वीसी करके आपने साबित किया कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों को सारे दलों को साथ जोड़कर इस महामारी से लड़ने के लिए हम सबको संकल्पबद्ध कर रहे हैं, सबको उत्साहवर्धन कर रहे हैं, सबको ताकत दे रहे हैं. इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने भी हमसे लगातार संपर्क किया, फोन किया, हमसे बात करी, हमसे जानकारी ली. साथ में स्वास्थ्य मंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमसे बात करी और हमारे से समस्याएं पूछी. तो मैं हम सब खुश नसीब हैं, हम पहली बार जीते हैं लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमें ऐसे संकट के समय एक साथ मिलकर काम करना चाहिए. मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए केवल सुझाव ही दूंगा. मेरी आपसे बात हुई थी 3 दिन पहले और आपने मुझे आदेश दिया था कि आप लिस्ट बना के भेजिए. मैंने लिस्ट भेज दी और मैं खुश हूँ इस बात से कि मुझे आज जवाब भी आया CMR से कि आपकी जो लिस्ट है वो पहुंच गई है और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जा रही है. तो मेरा इतना ही निवेदन है कि अगर ट्रेन किशनगढ़ से नहीं चलती बिहारी मजदूरों को ले जाने के लिए और जयपुर से चलती है तो मेरी किशनगढ़ मार्बल स्टेशन तैयार है, हम बसें लगा के जयपुर भेज देंगे बिहारी मजदूरों को और जयपुर से वो ट्रेन चल जाए, हमारे किशनगढ़ नहीं आए तो भी. पर उनको भेजना अति आवश्यक है, बहुत बड़ी संख्या है, कोई वॉयलेंस नहीं हो, वो लोग कोई ऐसा कदम नहीं उठा ले जिससे हमें बहुत बड़ी तकलीफ आ जाए. फैक्ट्रियां चल रही है जैसा आपकी इच्छा है, आपका मन है कि आर्थिक गतिविधियां चले और ये जरूरी भी है तो लगातार हम प्रयासरत हैं. फैक्ट्रियां चल रही है, लगातार बढ़ रही है, पर इसके साथ साथ जरूरी है प्रोडक्शन हो रहा है, पर प्रोडक्शन को बेचने के लिए हमारे गोडाउन है वो भी चलना जरूरी है. तो आपसे मेरा निवेदन है कि ये छोटा सा काम है लेकिन एक एक गोदाम में अगर दो दो व्यक्तियों को अनुमति दे देंगे आप तो गोडाउन चलना शुरू होगी, तो डिस्पैचिंग स्टार्ट हो जाएगी और जब तक डिस्पैच स्टार्ट नहीं होगा प्रोडक्शन की एक लिमिटेशन है, वो प्रोडक्शन हम कितने टाइम तक करेंगे उसके बाद वो फैक्ट्रियां चलने के बाद फिर बंद हो जाएगी. तो ये जरूरी है कि हमें रेवेन्यू भी मिले, टैक्स भी मिले. रोज का 300-400 गाड़ी का डिस्पैच था जो अभी बड़ी मुश्किल से 50 गाड़ी पे आया है. तो मैं ये चाहता हूँ कि 300 गाड़ी डिस्पैच हो पर वो डिस्पैच तक होगी जब आप गोडाउन की को खोलने की अनुमति देंगे तो गोदाम संचालक भी अपना व्यापार कर लेंगे, उनके साथ जो बेरोजगार मजदूर हैं उनको भी रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा. तो एक बहुत बड़ा कदम होगा, आप इस पे भी ध्यान दें. और मेरा एक सबसे बड़ा आपसे निवेदन है कि विधायक कोष की राशि को आपने स्वास्थ्य में और रसद में किया है, जैसा सबने बोला मैं भी उसी में सहमति प्रकट करता हूं कि उसका 1% पानी के लिए, 1% काम के लिए और स्वास्थ्य विभाग उसके लिए चालू कर दिया जाए ताकि हम लोग गर्मी के समय में पानी सी की समस्याओं से नहीं जूझे और वो सीधे सीधे हम अगर जूझते हैं तो सीधी सीधी आप पर आएगी वो और हम आपके पास आएंगे, हम कहाँ जाएंगे. एक मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ विराज रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ परसों किशनगढ़ में एक गर्भवती महिला पॉजिटिव आई है और उससे हमारा गायनिक वार्ड कंप्लीटली बंद हो गया. वहाँ पे कोई भी सुविधा डिलीवरी किसी भी तरह की नहीं है. तो मेरा एक सुझाव है क्यों नहीं किशनगढ़ में एक प्राइवेट अस्पताल को एक्वायर कर लिया जाए और वो जो सुविधाएं हम YN में दे रहे थे वो सुविधाएं उसमें वहां मिल जाए ताकि गरीब लोगों को प्रसव के लिए कोई समस्या नहीं हो. ये जरूरी बात है और इस पर आज एक्शन लेना मस्त है क्योंकि रोज की 25-30 डिलीवरी किशनगढ़ में होती है, उपखंड का बड़ा अस्पताल है, सब लोग वहीं आते हैं. तो एक प्राइवेट अस्पताल कोई भी जहां पे गायनेकोलॉजिस्ट जी धन्यवाद आपका. एक तो बात और मैं कृषि कल्याण सेस के लिए भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसको एक बार वापस पुनर्विचार करें और ये टैक्स अगर आप लिकर पे लगा दिया जाए तो शायद ज्यादा अच्छा होगा. हमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और लिकर पीने वाला अगर लिकर पी रहा है और वो अगर सरकार को टैक्स दे रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ये कृषि कल्याण सेस को जो आप लगा है इसको हटा लिया जाए, मेरा निवेदन है. बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे किसान हमसे मिल रहे हैं, रोज हमसे बात कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ आपसे आप ये इसको वोट मंडी वाले सर. एक निवेदन माननीय चिकित्सा मंत्री विराज रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य मित्र जो काम कर रहे हैं लगातार सेवा दे रहे हैं, आज 50 दिन हो गए निःशुल्क सेवाएं दे रहे हो. मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, वो भी खतरे में जा रहे हैं आज, वहां जहाँ रेड जोन है, जहां पे कर्फ्यू है वहां पे घर घर जाके स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो, तो उनका कोविड-19 में कम से कम इंश्योरेंस तो तय
आवाज 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 हाँ बोले अब ठीक है जी। नहीं आ रही आवाज सर? जारी आ रही जी। मैं उन सामुदायिक स्वास्थ्य मित्र जो हैं उनके कोविड 19 के बीमे की बात कर रहा हूं सर, क्योंकि वो भी सरकार के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, इस मानवता की सेवा के लिए अपना काम छोड़ के वो लग रहे हैं, और कोविड 19 में उनका इंश्योरेंस किया जाए। पानी वाला जो है ना उसको वापस चालू करने का कार्य सर दे दिया। सुरेश जी पानी का वार्ड वहाँ चालू हो जाएगा आज ही, और काम करना आज हो जाएगा, और प्राइवेट हॉस्पिटल को एक बार कर लेंगे। मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं डॉक्टर्स के लिए कहूंगा, मैं कमिटमेंट कर चुका हूं कि मैं ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बोलूंगा, ये जो 2000 डॉक्टरों की पदों की घोषणा की गई है ये भर्ती कर ले, शायद हमें सबसे ज्यादा जरूरत स्वास्थ्य की पड़ेगी, और आज मौका है। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका।